Cheers. चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स गो टू वेतरना डैम. फाइनली हम आ चुके हैं उस लेक पे और यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है गाइज. अगर आप देखेंगे ना इवन यू विल बी मिसमराइज विद द व्यू. आई एम टेलिंग यू जस्ट लुक एट दिस. इट्स फुल बहुत ही पीसफुल. पानी का भी आवाज़ नहीं आ रहा है, इतना पीसफुल है. जहाँ से शायद लेक तक गाड़ी जा सके और वहाँ पर कोई बैरिकेडिंग ना हो. लेट्स सी. अरे मैं सोचा तू कहाँ चला गया, मेरे को दिखाई नहीं दिया. पता नहीं कहाँ तक जाएगा यार. So we have taken a halt at another spot and you can see the view from here. आपका नाम क्या है? पांडुरंग. ओके, और मेरे साथ है पांडुरंग जी. ये गांव को क्या बोलते हैं, आपने क्या बोला? वावी हर्ष. ओके. इस गांव को बोलते हैं वावी हर्ष और बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये, बहुत ही पीसफुल. आपको सिर्फ यहाँ पे ये जो टिड्डियाँ उड़ रही हैं उसकी ही आवाज़ें आएंगी. पानी भी एकदम स्टिल है. इससे पहले एक काम करते हैं, पहले थोड़ा कुछ खा लेते हैं बिकॉज बहुत भूख लगी है. आपका लंच हो गया? हाँ, हो गया. चलिए मिलते हैं फिर 2 मिनट में. थैंक यू. पानी ग्लास ग्लास है सब लेकर आए हम लोग. थैंक यू. आ जा. खाएंगे आप थोड़ा? आ जाओ थोड़ा. इधर बाहर खड़े होकर खाने का मज़ा ही अलग है. पहले कुछ खा लेते हैं यार, ऑलमोस्ट 1:45 हो रहा है. ओके. चलो आ जाओ राव साहब. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं, वही फिर से ब्रेड बटर एंड जैम वही खाएंगे. राव साहब के पास अंडे हैं लेकिन बोलते हैं शाम को खाएंगे, एनर्जी मिलेगी उससे जाते वक्त. मुर्गी के अंडे क्या बोला? किक मिलेगा. किक आया है. सब पूरा तैयारी करके एकदम आता. कुठे बाहेर हॉटेलला थांबायल नको ना म्हणून त्याच्यामुळे. तेरा कॅमेरा थोडा असा कर.
मेरा 50 तेरा 50 सौ। कैसा लगता है? तीन तीन चीजें, गोप्रो दो, बैटरी बंद, इकिन बंद, मोबाइल फोन स्टोरेज फुल, कर तो करूँ क्या ऐसे लोकेशन पे आके? खाता हूँ खाली और क्या। ओके, सो फिलहाल हम नीचे लेक की तरफ जा रहे हैं। Look at the water, so crystal clear. Okay guys, so 3 बज चुके हैं और निकलने का वक्त हो चुका है, बट सच बोलूँ तो यहाँ से जाने का ज़रा भी मन नहीं हो रहा है, बिकॉज एटमोसफियर ही कुछ ऐसा है। इट्स सो पीसफुल गाइस, सो पीसफुल। यार कोरोना की वजह से लोग कितना डर चुके हैं, हम सब कितना डर चुके हैं, और पर इसकी वजह से लोग काफ़ी डिप्रेस्ड और एंग्जाइटी भी फील करते हैं, बिकॉज घर में बैठे बैठे आदमी करे भी तो क्या, बोर हो जाता है। So guys, finally we have reached Goti Tolnaka, and so from Vaitarna Dam and or the lake जहाँ पर हम लोग गए थे, वहाँ से Goti Tolnaka जो है अप्रॉक्स कितना पड़ा मुझे, 30 kilometers। ओके गाइज, तो मिलते हैं अब कसारा घाट पे। तो हम रुके हैं जस्ट कसारा घाट स्टार्ट होने के पहले, और ये एक व्यू देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि दो पहाड़ यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पहाड़ ये और एक पहाड़ ये, बहुत ही ब्यूटीफुल। हाँ सी, हम सब कैसा है? By the way, I like this neon color, it's amazing, बहुत ही सही लगता है। वाह 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 वाह। ओके, सो कसारा घाट क्रॉस करते हैं और उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर टी कॉफ़ी कुछ, एक ब्रेक लेंगे और फिर फट 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 घर पे। ओके okay? वैसे भुट्टा खाने का बहुत मन है यार, लेकिन बहुत डर भी लग रहा है, पीछे है वहाँ पे।
पता नहीं कितना सेफ होगा, सो फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। ओके गाइस, टाइम 5:01, 5:01 और किसारा घाट शुरू हो चुका है। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बारिश हो शाम को, बट नहीं हुई। एक तरीके से अच्छा भी है, बट शायद होती तो नज़ारा कुछ और ही होता और थोड़ी ठंडी भी होती। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग राइड सो फार। ओके सो दोस्तों, कसारा घाट खत्म हो चुका है। सो दोस्तों, कसारा घाट हम उतर चुके हैं और आई थिंक 5 से 10 मिनट ही लगा वो क्रॉस करने में हमें। पर कुछ स्नैक्स खाएंगे और वैसे भी स्नैक्स में हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। राव साहब कुछ अंडे लेकर आए हैं तो वो खाएंगे, और आई थिंक 2 ब्रेड हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। सो ब्रेड और बटर गर्म हवा चल रही है और जैकेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी। ओके दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूँ थाने और कल्याण से यहाँ आने में काफ़ी वक्त लग गया। सो आई थिंक 1.25 घंटे और लगने वाले हैं। 25 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ है और काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पर होने वाली है, विच इज़ एक्सपेक्टेड। सो अब मैं आपको सीधे घर पर मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय। ओके गाइज, आई हैव रीच्ड होम एंड लास्ट 30 किलोमीटर वॉज वेरी हैक्टिक। आई मीन फ्रॉम थाने टू होम वॉज जैम पैक ट्रैफिक। सो इट्स 8:35 एंड वी टुक ऑलमोस्ट 4.5 आवर फ्रॉम द वेदरना डैम टू द होम। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और वेदरना डैम और वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी थी वो तो देखने लायक थी। आई होप आपने भी मेरे साथ साथ इस व्लॉग को देखते हुए इन्जॉय किया होगा वो सब। सो आई एम वेरी टायर्ड नाउ, एज आई सेड लास्ट वन एंड हाफ आवर वॉज वेरी हैक्टिक। सो आई विल गो होम एंड फ्रेशन अप एंड सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ।